देखिए, मैंने ये जो आज अपना विरोध प्रकट किया है वो वर्तमान जो हमारे वन अधिनियम है उसके खिलाफ किया है, और ये वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारी जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं, और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वह मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूंगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पर बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सरकार को मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम जो है उनका जो मृतक हैं जो वन्य जीव के से जो आक्रांतित होकर जो मरे हैं उनके जो 6 लाख रुपया बहुत कम होता है। किसी परिवार का अगर चिराग बुझ जाए और उसको 6 लाख देखें तो मैं समझता हूँ ये तीसरी हो जाती है जिम्मेदारी से, तो ये ठीक नहीं है। और उनको मुआवजा ज़्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपये होना चाहिए। और पहाड़ों में बाघ जो है गुलदार विशेषकर जो सबसे ज़्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल वन से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश होना चाहिए। देखिए, मैंने कई बार कहा है, मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। एक, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है, और मैंने कहा था कि उनके इसलिए सारे विचार होने चाहिए। सारे सड़कें रुकी पड़ी हैं, सारे पेयजल योजनाएं रुकी पड़ी हैं, और दूसरी तरफ वन्य जीवों ने अपने घर के आपके अब तो आंगन क्या चूल्हे तक जो है हमारे वन्य जीव हमारे घर तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन का सदन अगर लगेगा तो सारी चर्चाएं हो जाएंगी। हमारे प्रदेश का कब व्यू जाना चाहिए, हमारी सोच क्या है, हमारी तकलीफें क्या हैं, ये सारी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है कहा कि एक दिन का सत्र लिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कल बात करी, मैंने विधानसभा से पिछले वाले सत्र में बात करी, लेकिन अभी तक कोई सत्र नहीं लगा है। और मैंने इसीलिए आज जो है मैं आज सामने खुलकर आया हूँ कि अगर सत्र नहीं लगाएंगे और बातों में अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा। लेकिन देखिए, वन अधिनियम भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का कानून है, लेकिन जहाँ तक विभाग राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार लगातार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसमें हमने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं, और मैं समझता हूँ सरकार अपना काम करती रहेगी।